तो शील्ड का पहला एपिसोड देखने के बाद काफी लोगों के मन में ये सवाल आया कि ब्रूस बैनर और हल्क दोनों अलग अलग आइडेंटिटीज हैं, लेकिन जेनिफर वॉल्टर्स की कोई अल्टर ईगो है ही नहीं। वो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी अपनी आइडेंटिटी नहीं भूलती, ऐसा क्यों होता है? सो अकॉर्डिंग टू मी इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन ये है कि ब्रूस बैनर का बचपन काफी ट्रॉमेटिक रहा है, उसको अपने माँ बाप का प्यार नहीं मिला और ऊपर से उसका बाप उस पर फिजिकली अब्यूज भी करता था। इस वजह से ब्रूस के अंदर काफी नफरत और गुस्सा भर गया और गामा एक्सीडेंट होने के बाद ब्रूस को डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर हो गया, जिस वजह से उसकी दो अलग आइडेंटिटीज बन गई। जबकि जेनिफर वॉल्टर्स और एमिल ब्लॉन्स की एके एबोमिनेशन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और इसी वजह से वो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अपनी आइडेंटिटी नहीं भूलते। अब एमसीयू में हमें ब्रूस का पास्ट या उसका बचपन दोनों ही देखने को नहीं मिले। तो ये रीजन को साइड में करते हुए चले चलते दूसरे रीजन की तरफ, जो मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और वो दूसरा रीजन ये है कि ब्रूस के साथ काफी बड़े स्केल पर गामा एक्सीडेंट हुआ था, जो किसी भी आम इंसान को फिजिकली और मेंटली शॉक में डाल सकता है। जबकि जेनिफर वॉल्टर्स के साथ भी एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन गामा एक्सीडेंट और कार एक्सीडेंट में जमीन आसमान का फर्क है। और देखा जाए तो जेनिफर को पावर्स एक्चुअली कार एक्सीडेंट की वजह से नहीं बल्कि ब्रूस के खून की वजह से मिली है, जो किसी हाई स्केल गामा एक्सीडेंट के मुकाबले काफी छोटी चीज है। और इसी वजह से जेनिफर के दिमाग पर उतना गहरा सदमा नहीं पहुंचा जितना ब्रूस के दिमाग पर पहुंचा था। तो ये थे मेरे दो रीजंस कि क्यों ब्रूस की दो आइडेंटिटीज है और जेनिफर वॉल्टर्स किसी फेक की आइडेंटिटी है। अगर आपके पास भी कोई रीजन या थ्योरी है तो कमेंट्स में जरूर बताना। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, मैं हूं सेड और आप देख रहे हैं स्लैशी टीवी।